नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में मुजाहिद भारती, आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। पानी की किल्लत को लेकर भुल्लनपुरा वासियों ने आज रोड पर चक्का जाम कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद तहसीलदार एवं सिटी कोतवाली टीआई विवेक अस्थाना के पहुंचने के बाद इस जाम को खुलवाया गया। भुल्लनपुरा के रहवासियों की माने तो वह पानी की समस्या को लेकर लगभग संबंधित सभी विभागों में शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही उनकी समस्या के निराकरण के लिए नहीं की गई है, लिहाजा मजबूरन आज उन्होंने चक्का जाम करना पड़ा। हालांकि मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने उन्हें आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया कि उनकी सभी मांगे बिल्कुल जायज हैं और आगामी एक दो दिन में वे नगर पालिका से बात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करवा देंगे, तब कहीं जाकर जाम खोला गया एवं आवागमन सुगम हो पाया। अरे यार सब बता रहे हैं। चक्कर में जाजी के लड़का आए थे, टंकी पैसे 5 तारीख तक तुम्हारा नल चालू हो जाने, आज 25 तारीख हो भाई, और हमने लेने से बड़ा मोड़ी परेशान हो रहा, पानी का कोई नहीं भरा रहा, और जुआ वाले अलग बैठते रास्ता में, और पानी लाज के भरा जाने कैसे कितने लोग ऐसे परेशान है, कहाँ से पानी भर के लाते हो? और हमारी तो भैया ये एक मांग की है कि हमारे घर पर और वो भी हम बहुत परेशान है। पानी की समस्या को किसी को बोला था प्रशासन? बोला यहाँ पे अभी भुल्लनपुरा के निवासियों ने, खासकर महिलाओं ने, पानी की कमी के चलते, पानी के अभाव के चलते जाम लगाया था। उनकी मुख्य मांगें थी जो हमने अभी नोट करी हैं, हाथी मंदिर से पीछे की तरफ पाइपलाइन डलवाना चाहते हैं वो लोग, टैंकर जो रोड पे खड़ा होता है उसको चाहते हैं कि वो अंदर की तरफ खड़ा हो, क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट होते रहते हैं बार बार टैंकर खड़े होने से, और ट्यूबवेल की टोंटी जो पहले ट्यूबवेल में, हर एक ट्यूबवेल में टोंटी लगी थी वो बंद कर दी गई, तो उसको चालू करवाना है, और गुजर कॉलोनी में जो ट्यूबवेल लगा है उसमें भी टोंटी लगवाने की बात करी है उन्होंने। तो अभी मैं नगर पालिका वालों से बात करूँगा, और संभवत ये सभी जायज़ मांगे हैं, तो ये मैं चाहूँगा कि एक आध दिन में ही इनकी पूर्ति हो जाए। क्या आज भुल्लनपुरा निवासियों ने अपने पानी की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तो सूचना मिलने पर तत्काल कोतवाली फोर्स और तहसीलदार साहब आ गए हैं और इनकी पानी की सभी समस्याएं नोट कर ली गई, उनका जल्दी से जल्दी निराकरण करने का तहसीलदार साहब ने बोला है कि नगर पालिका के माध्यम से निराकरण करवा देंगे, तो बाकी इन लोगों की जायज़ समस्याएं हैं वो पूरी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण करवा दिया जाएगा, और पुलिस से संबंधित जो शिकायत है वो भी तत्काल आज ही निराकरण हो जाएगा। इनको हमने अपने नंबर दे दिए। जिला पंचायत गुना द्वारा आज सूचना प्रेरणी और प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को टेबलेट एवं प्रिंटर वितरित किए गए, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की महती योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत करा सके व उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी दिला सके। वहीं आज आयोजित हुई इस कार्यशाला के संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बल्लू चौहान ने डिजियाना न्यूज को जानकारियां भी उपलब्ध कराई। ये शासकीय योजना की जानकारी सही से लोगों को नहीं होती,
तो जैसे शासन बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जैसे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, पर ग्रामीणों में लोग बागों को जानकारी के अभाव के चक्कर में वो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इस वजह से ये सूचना केंद्र खोला गया है, और ये सूचना केंद्र 2014 से खुला था, पहले 5 केंद्र थे और आज 35 केंद्र होने जा रहे हैं। और पहले पुरुषों का मौका मिला था, पर अब आज महिलाओं को मिला है। तो मैं समझती हूँ ये सूचना केंद्र बहुत एक अच्छा माध्यम है, और इससे हमारे ग्रामीणजनों को बहुत सी बातें सीखने को भी मिलेगा। और जो महिलाएं आज यहाँ पर टैबलेट और वो प्रिंटर लेकर जा रही हैं, तो उनको एक आय का भी साधन होगा, और वो ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी ग्राम पर ही कर पाएंगी। तो उनको इतनी दूर गुना या इतनी दूर बमोरी वगैरह नहीं आना पड़ेगा। जिस पंचायत में, पंचायत के आसपास जितने भी गांव हैं, 5 पंचायतों का काम वहीं के वहीं हो जाएगा, तो उनका किराया भी बचेगा और उनका समय भी बचेगा। तो मैं समझती हूँ ये सूचना केंद्र बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और इससे सबको जुड़ना चाहिए। और जिनको भी जानकारी नहीं है, सबको इन लोगों के नंबर होना चाहिए सबके पास, और जिनको जानकारी है उनके पास अगर ये नंबर हैं, तो जिनको जानकारी नहीं उनको पास ये नंबर पहुंचाएं, ताकि वो सूचना केंद्र में आकर अपनी सारी योजनाओं का लाभ लें। उन्हें किस योजना का लाभ लेना है, उसमें क्या क्या कागज की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सब ये लोग समझाते हैं, और वो फिर पूरा इनका फॉर्म भरवा के उस योजना की उन्हें जानकारी देते हैं, और उनका फॉर्म भी भरवाते हैं, और उस योजना का उन्हें लाभ भी दिलवाते हैं। कैंट स्थित लूसन का बगीचा क्षेत्र से विगत दिवस 2 नाबालिग बच्चियों के अचानक गायब हो जाने से शहर में सनसनी फैल गई थी। फेसबुक, व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल साइट्स के जरिए दिन भर इन बच्चियों के फोटोज यहां से वहां घूमते रहे, साथ ही लोगों द्वारा इनके गायब होने के पीछे विभिन्न प्रकार के कयास भी लगाए जा रहे थे। वहीं परिजनों ने दोनों बच्चियों के गुम होने की सूचना कैंट थाने में दे दी थी, जिसके बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई थी व इनकी सर्चिंग जारी कर दी थी। वहीं आज सुबह लगभग 6 बजे दोनों ही बच्चियां सकुशल अपने घर वापस पहुंच गई हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन बकौल कैंटिया याची सबरे, बच्चियां सहमी हुई हैं एवं कुछ भी बोल पाने में असमर्थ हैं। आखिर क्या कारण था इन बच्चियों के घर से गायब होने का? उम्मीद है जल्द ही कैंट पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाएगी। ये 2 नाबालिग बच्चियां दूसरे बगीचा से अचानक गायब हो गई थी, जिसकी पता रसी की थी तो ये रेलवे स्टेशन पे देखी गई थी, जहाँ से इन्होंने टिकट खरीदा है। वहाँ की वीडियो फुटेज में इनका रेलवे स्टेशन पे आना पाया गया है। इसमें आज सुबह 6 बजे अपने घर पर भी वापस आ गई हैं, अभी वो घर पर ही हैं, अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। पूछताछ कर इनके कथन लिए जाएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें अपराध पंजीबद्ध है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन स्थानीय मानस भवन में किया जा रहा है। उक्त आयोजन 25 मार्च को शुरू हुआ, जो कि आगामी 31 मार्च तक चलेगा। यहां भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में ज्ञान की गंगा का रसपान करने के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां कथा व्यास बालयोगी स्वामी श्री केशवानंद जी महाराज हरिद्वार वालों के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। आइए नजर डालते हैं आज हुई इस भागवत कथा की कुछ झलकियों पर। Yeah.
कृमि रोग से मुक्ति के लिए आज जिला चिकित्सालय के टीबी वार्ड में विशाल रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में लंबे समय से चिन्हित किए जा रहे टीबी एवं कुष्ठ रोग के मरीजों का उपचार किया गया। आज इस शिविर के दौरान लगभग आधा सैकड़ा से अधिक मरीजों ने इस शिविर का लाभ उठाया। ये फरवरी में संयुक्त अभियान चला था टीबी और कुष्ठ के लिए, खोज अभियान। तो ये फील्ड में जो रोगी देखे गए वहाँ के चिकित्सकों द्वारा उनको रेफर किया गया आज, और उन रेफर रोगियों में से जो मरीज देखे गए हैं, 60 मरीज देखे गए हैं, उसमें से कुछ कुष्ठ के हैं, कुछ टीबी के हैं, उनकी स्लाइड बनाई जा रही है, कुछ मलेरिया के भी हैं। तो इस तरह से जो है उनको उपचार किया जा रहा है जाँच करने के बाद। मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 12वें दिन भी रही जारी। आज हड़ताल के दौरान संविदा कर्मचारियों ने यहां पानीपुरी का ठेला लगाकर आने जाने वालों को पानीपुरी पिलाई। वहीं सरकार से अपने नियमितीकरण की मांग को आज इन्होंने पुनः दोहराया है। आज मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच जिला इकाई गुना और का ये 12वां दिन हड़ताल का चल रहा है, और 12वें दिन में आज हम विरोध स्वरूप जो हमारा नियमितीकरण अभी तक नहीं किया गया है, एवं हमारे जो साथी अभी बाहर कर दिए गए हैं उनको अभी वापसी नहीं लिया गया सेवा में, इस विरोध स्वरूप आज हमने टिक्की का ठेला लगाया हुआ है और सभी लोगों को हम यहाँ से टिक्की पिला रहे हैं। ये हमारा विरोध स्वरूप है। ये मध्य प्रदेश शासन तक हमारी बात ये पहुँचे कि इतना विरोध हो चुका है कि संविदा कर्मचारी जो नियमित कर्मचारियों से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको आज इस हद तक आना पड़ रहा है कि वो टिक्की बनाकर और यहाँ सामूहिक स्थल पर सब लोग को बेच रहे हैं। मेरा मध्य प्रदेश सरकार से करबद्ध निवेदन है कि वो हम सभी संविदा कर्मचारियों का अविलंब नियमितीकरण करें, और साथ ही हमारे जो सहयोगी कर्मचारियों को किसी न किसी अनियंत्रित कारणों से बाहर निकाल दिया गया है उनका नियमितीकरण करें। बस केवल हमारी दो ही मांग है, हमारा नियमितीकरण हो और हमारे साथियों की बहाली। चाचौड़ा में हिंदू उत्सव समिति के तत्वावधान में रामनवमी के भव्य जुलूस का आयोजन किया गया। उक्त जुलूस सदर बाजार स्थित हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ होकर चाचौड़ा नगर के प्रत्येक गली व मोहल्ले में घुमाया गया, जिसके बाद विभिन्न जगहों पर ठंडाई पिलाकर व पुष्प वर्षा कर इस जुलूस का स्वागत भी किया गया। वहीं जुलूस में चाचौड़ा विधायक ममता मीना ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने भगवान श्री राम की आरती भी यहाँ पर की। इस मौके पर विधायक के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। आरोन नगर में भ्रमण पर निकली बाल हनुमान जी की शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा को डुंडी यात्रा भी कहा जाता है। इस यात्रा में क्षेत्र के नवरात्रि के पावन पर्व पर हनुमान जी की मूर्ति को एक ही व्यक्ति सर पर रखकर चलता है। उक्त शोभा यात्रा श्री राम मंदिर से आरंभ हुई, जिसके बाद शहर के विभिन्न मार्गों से ढोल नगाड़ों के साथ गुजरी। आपको बता दें कि इस प्रकार की यात्रा का आयोजन आरोन नगर में लगभग 40 वर्षों से किया जा रहा है। वहीं यात्रा के दौरान जगह जगह पर विभिन्न समाज सेवी बंधुओं द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। गौरतलब है कि इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन महाराष्ट्र क्षेत्र में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन
आरोन में होने वाली यह यात्रा अपने आप में एक अनोखी यात्रा है। से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। मधुसूदनगढ़ के नसीरपुर के पास दो मोटरसाइकिलों की भीषण भिड़ंत में एक छोटे बच्चे सहित 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को डायल 100 एवं एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद इनका इलाज जारी है। सारी हम तो उधर से आ रहे थे, ये इधर आ रहे 80-90 की स्पीड में आ रहे थे। हम भी तेज ये ना हो कि नहीं हमें ताक है नहीं। क्या मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल थी? मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल इस पार्ट पे मोटरसाइकिल बड़ी ही उठा लिया सर, हमने वही पड़े थे। आपके साथ कितने लोग थे? 3 लोग सर हमारे। ये उकाबत नसीरपुर रोड के बीच में नसीरपुर के पास में। अच्छा, कहाँ कहाँ में हुआ है सर ये? दोनों मोटरसाइकिल आमने सामने से टकरा गई है, जिससे दोनों पार्टी वही मौके पर ही घायल होकर पड़ी हुई थी। सर आपको सूचना मिली तो क्या आप लेकर आए? फोन नंबर पे कॉल आया भोपाल से जी। हम तुरंत नोडल पॉइंट जामनेर से रवाना हुए और घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर चौकी प्रभारी श्री ESI अशोक दुबे भी पहुंच गए थे। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए और 100 डायल में गाड़ी में बिठाकर अस्पताल लाए हुए। लगभग कितने लोग घायल हैं सर? कुछ इसमें 6 लोग घायल हैं, इसमें एक छोटा बच्चा भी है और एक महिला भी शामिल है। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। बीनागंज में बाल विदुषी हर्षिता किशोरी जी के श्री मुख से चल रही है भागवत कथा। उक्त भागवत कथा में आज शिव पार्वती विवाह का सुंदर वर्णन व चित्रण किया गया, जिसमें मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियों ने भक्तों का मन मोह लिया। यह कथा आयोजक RTO जगदीश मीणा ने कथा पांडाल में श्रद्धालुओं के बैठने की उत्तम व्यवस्था की है। कथा पश्चात प्रसादी व दूर से आने वालों के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। कथा पांडाल में राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने पहुंचकर बाल विदुषी जी का स्वागत किया एवं श्रीमद भागवत का पूजन भी किया। बीनागंज से हमारे सहयोगी कैमरामैन नीरज के साथ RK शर्मा की रिपोर्ट। डिजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।